हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एशिया ऑनलाइन एजू। हमारे यूट्यूब चैनल एशिया ऑनलाइन एजू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसे शब्दों के बारे में, ऐसी बातों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनको आप जानते तो सभी हो, लेकिन उन बातों को, उन शब्दों को यूज किस टाइम करना चाहिए हमें वो पूरी तरह से आपको अभी तक नहीं पता है। तो बोलचाल में कुछ अभिवादन के वाक्य होते हैं, कुछ शब्दों का यूज किया जाता है सुबह से लेकर रात्रि सोते वक्त तक, लेकिन हमको ये नहीं पता होता कि हमको किस शब्द का यूज किस टाइम करना चाहिए। तो इस इंग्लिश स्पीकिंग के फर्स्ट डे मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ बोलचाल में जो अभिवादन के कुछ वाक्य होते हैं, अर्थात सुबह से लेकर रात्रि तक हमें किस समय गुड मॉर्निंग कहनी है, कब गुड इवनिंग, कब गुड आफ्टरनून, या कब गुड नाइट, या हाय हेलो, अपने से बड़ों के साथ किस प्रकार से अभिवादन करना चाहिए, उनको किस प्रकार से नमस्ते करनी चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो प्यारे बच्चों, जब हम सुबह उठ जाते हैं अर्थात सायकाल, सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे तक हमको गुड मॉर्निंग कहनी चाहिए। क्या कहनी चाहिए? गुड मॉर्निंग। अर्थात गुड मॉर्निंग का जो समय होता है सुबह सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे तक, सुबह से लेकर जब भी हम जाग जाते हैं तब से लेकर के दोपहर 12 बजे तक हमको कहना चाहिए गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डैड भी हो सकता है यहाँ पर, गुड मॉर्निंग डैड, सुबह की नमस्ते पापा जी। तो इस प्रकार से सुबह को हम बोलते हैं सुबह से लेकर के दोपहर 12 बजे तक गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हमें कब करनी चाहिए? सुबह जब भी हम जाग जाते हैं और दोपहर 12 बजे तक हमें गुड मॉर्निंग बोलनी चाहिए, चाहे गुड मॉर्निंग डैड हो, चाहे गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा। ग्रैंडपा क्या होते हैं? दादाजी। ग्रैंडपा को क्या बोलते हैं हम? दादाजी। दादाजी सुबह की नमस्ते, या नमस्ते दादाजी, नमस्ते पापा जी, या यहाँ पर गुड मॉर्निंग सर भी हो सकता है, गुड मॉर्निंग सर। तो इस प्रकार से दोपहर 12 बजे तक, सुबह से लेकर जब भी आप जाग जाओ, सुबह से लेकर के दोपहर 12 बजे तक हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग, सुबह की नमस्ते, ओके। और फिर दोपहर बारह बजे से शाम 5 बजे तक, दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक हम बोलते हैं गुड आफ्टरनून। क्या बोलते हैं? गुड आफ्टरनून। डैड या सर या मॉम या आंटी, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। गुड आफ्टरनून डैड, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम, या गुड आफ्टरनून ग्रैंडपा, कुछ भी हो सकता है, अपने से बड़ा कोई भी हो सकता है यहाँ पर। सर, आंटी, अंकल, चाचा, चाची जिसको हम बोलते हैं, या सर, मैडम, कुछ भी हो सकता है। तो दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक हम बोलते हैं क्या? गुड आफ्टरनून, ओके।
सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे तक क्या बोलते हैं हम? गुड मॉर्निंग। दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक बोलते हैं हम गुड आफ्टरनून, नमस्ते, दादाजी या पापा जी, कोई भी हो सकता है यहाँ पर, ओके। इस प्रकार से फिर शाम 5 बजे के बाद, ये होगी दोपहर तक, 12 बजे से शाम 5 बजे तक। अब बात आती है शाम 5 बजे के बाद क्या बोलते हैं हम? शाम 5 बजे के बाद, शाम को 5 बजे के बाद क्या बोलेंगे हम? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर या मैम या डैड या आंटी, कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आई? शाम 5 बजे के बाद क्या बोलते हैं? गुड इवनिंग। क्लियर यहां तक? अब बात करते हैं रात को विदाई के समय, शाम 5 बजे के बाद, यानी कि जब तक हम किसी के पास हैं, मिलने गए हैं या पढ़ने गए हैं किसी भी प्रकार से, तो तब तक बोलते हैं हम गुड इवनिंग। अब जब हम वहां से आते हैं शाम को, जब वहां से विदाई लेते हैं, विदा लेते हैं, अपने घर के लिए आते हैं, तब क्या बोलते हैं हम रात को विदाई के समय? रात को विदाई के समय हम बोलते हैं गुड नाइट। क्या बोलते हैं? गुड नाइट। यहाँ पर सर भी हो सकते हैं, मैम भी हो सकती हैं, डैड भी हो सकते हैं, मोम भी हो सकती हैं, ओके, कोई भी हो सकता है। तो जब भी हम किसी से विदा लेते हैं शाम को 5 बजे के बाद, जब लौट करके घर आते हैं, तो हम बोलते हैं क्या? गुड नाइट। या हम सोने जाते हैं अपने ही घर में, मानो अपने ही घर में हम, अब सोने का टाइम हो गया है, हम सोने जा रहे हैं, तो मॉम से, डैड से, दादाजी, बाबा, अंकल, आंटी, कोई भी हो सकता है घर में, तब हम क्या बोलते हैं? गुड नाइट। गुड नाइट सर या गुड नाइट मैम, गुड नाइट डैड, गुड नाइट आंटी, गुड नाइट अंकल, कुछ भी हो, जो भी है अपने घर में। तो इस प्रकार से रात को विदाई के समय क्या बोलते हैं हम? गुड नाइट। बात समझ में आई यहाँ तक? और दिन में किसी भी समय, दिन में किसी भी समय यदि आप किसी से मिल रहे हैं, तो क्या बोल सकते हैं आप मिल करके? दिन में किसी समय, अर्थात किसी से हम किसी भी समय मिले दिन में, तो क्या बोलेंगे हम यहां पर? गुड डे टू यू सर या मैम, कोई भी हो सकता है यहाँ पर। गुड डे, अच्छा सर, चलते हैं, यानी कि जैसे किसी के पास गए हम और अब वहाँ से जा रहे हैं, तो इस शब्द को गुड डे हम किसी भी समय यूज कर सकते हैं, दिन में किसी भी समय, सर हो, मैडम हो, डैड हो, मॉम हो, जो भी हो, कोई फ्रेंड हो, गुड डे टू यू सर, अच्छा सर चलते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं अच्छा सर चलते हैं, ओके, यहां तक क्लियर। अब बात आती है किसी भी समय अगर हम अपने मित्रों के साथ, अपने बराबर के लोगों के साथ मिल रहे हैं, तब हम उनसे क्या बोलना चाहिए? तो हम बोल सकते हैं, यानी कि अपने बराबर के, या मित्रों के साथ, दिन में किसी भी समय हम अपने मित्रों से या अपने बराबर के साथ, लोगों के साथ मिल रहे हैं, तो हमें क्या बोलना चाहिए? हाय, किसी का नाम हो सकता है हाय शिमी, या हाय अंकुर,
या हो सकता है हेलो अंकल या हेलो आंटी, कोई भी हो सकता है। यहाँ पर बराबर के मित्रों के साथ या अपने बराबर के लोगों के साथ हम बोल सकते हैं हाय सिमी, हाय अंकुर, हेलो अंकल, हेलो आंटी। बात समझ में आई? ये भी किसी भी समय यूज कर सकते हैं हम इसको, बराबर के मित्रों के साथ या फ्रेंड्स हो, मित्र हो, जो भी हम बोलते हैं उनके साथ हम क्या कह सकते हैं, कभी भी हाय शिमी, हाय अंकुर, हेलो अंकल, हेलो आंटी, कुछ भी आ सकता है यहाँ पर, कोई भी हो, लेकिन बराबर का हो या मित्र हो उनको हम किसी भी समय इन वर्ड्स का, इन अभिवादन के शब्दों का यूज कर सकते हैं। ओके, अब दिन में किसी भी समय अगर हम किसी से विदा ले रहे हैं तो क्या बोलते हैं? तो बच्चों, किसी भी समय अपने मित्रों के एवं बराबर के लोगों के साथ, अभी मैंने बताया क्या, हाय शिमी बोल सकते हैं, हाय, हेलो, ये बोलते हैं। अब इसके बाद विदाई के समय किसी भी टाइम दिन में हम किसी भी टाइम कहीं जा रहे हैं या किसी से मिलकर आए हैं और उनसे विदा ले रहे हैं तो क्या बोलते हैं हम विदाई के समय? विदाई के समय क्या बोलते हैं? बाय बाय बोलते हैं ना, बाय बाय। तो इसका मतलब होता है अच्छा। दिन में किसी भी समय जब आप कहीं जा रहे हैं तो हाथ हिलाते हैं ना, बाय बाय, तो हम कहते हैं ये बाय बाय, या गुड बाय चिल्ड्रन, इसका मतलब होता है अच्छा बच्चों चलते हैं, गुड बाय चिल्ड्रन, अच्छा बच्चों चलते हैं, या अच्छा चलते हैं बच्चों, कुछ भी कह सकते हैं। तो बड़े भी बोल सकते हैं इसको और छोटे भी। बात समझ में आई यहाँ तक? विदाई लेते समय किसी भी टाइम दिन में, कोई भी टाइम हो अपना, गुड बाय या बाय बाय या गुड बाय चिल्ड्रन, जैसा भी मौका हो, छोटा हो बड़ा हो, उसके अकॉर्डिंग इसको हम बोल सकते हैं। या एक और शब्द ऐसा है, बाय सी यू, बाय सी यू, इसका मतलब होता है अच्छा फिर मिलेंगे, अच्छा फिर मिलेंगे। बात समझ में आई यहां तक? इस प्रकार से आपको सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि में किसी भी समय किस अभिवादन के, किस वाक्य का, किस शब्द का यूज करना है, इस वीडियो के माध्यम से मैंने अभी आपको बताया। तो इन सभी शब्दों को आपको ध्यानपूर्वक याद रखना है, अपने दिमाग में फीड कर लेना है कि हमें सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे तक गुड मॉर्निंग बोलते हैं, दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक गुड आफ्टरनून बोलते हैं, शाम 5 बजे के बाद गुड इवनिंग बोलते हैं, रात्रि को विदाई के समय गुड नाइट बोलते हैं, दिन में किसी भी समय जाते समय गुड डे, गुड डे टू यू सर, ये बोलते हैं। दिन में किसी भी समय बोल सकते हैं अपने से जो बराबर के होते हैं, हाय शिमी, हेलो शिमी, ये बोल सकते हैं। और एक शब्द और होता है, भेंट करते समय यदि हम किसी के पास गए और उनसे वार्तालाप किया, मिले, तो वहाँ पर एक शब्द का यूज और हो सकता है, भेंट करते समय कहते हैं ना, नाइस टू मीट यू, इसका मतलब होता है आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा। किसी से भी भेंट करते समय या मिलते समय हम इस शब्द का यूज कर सकते हैं, इस वाक्य का यूज कर सकते हैं, नाइस टू मीट यू। कब करते हैं? भेंट करते समय नाइस टू मीट यू बोलते हैं हम। इस प्रकार से ये बात सब समझ में आ गई आपके, कब गुड आफ्टरनून बोलना है, कब गुड मॉर्निंग बोलना है, कब गुड इवनिंग बोलना है, कब गुड नाइट बोलना है, कब बाय बाय बोलना है। ओके,
तो अब यहाँ पर मैंने कुछ अभी शब्दों का यूज किया था, ग्रैंडपा या ग्रैंड मॉम। तो अब इनको बोलते जो हैं हम क्या बोलते हैं, ग्रैंडफादर को हम शॉर्ट में बोलते हैं क्या, तो नोट करिएगा ये चीज, ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर को क्या बोलते हैं हम शॉर्ट में, ग्रैंडफादर को बोलते हैं ग्रैंडपा, ग्रैंडपा आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, तो ग्रैंडपा बोलते हैं हम किसको, ग्रैंडफादर को अर्थात दादाजी को या बाबा को, और ग्रैंड मदर को ग्रैंड मो भी बोल सकते हैं, या ग्रैंड मॉम भी बोल सकते हैं, या ग्रैंड माँ भी बोल सकते हैं। ओके, ग्रैंडपा, ग्रैंडमा, ग्रैंडमा बोलते हैं हम दादी जी को, अम्मा जी को। ओके, अब बात आती है फादर को क्या बोलते हैं, फादर को हम पापा जी भी बोलते हैं, डैड भी बोलते हैं, या डैडी भी बोल सकते हैं। असमझ भाई, पिताजी को, फादर को हम पापा जी, डैड या डैडी भी बोल सकते हैं शॉर्ट में, और मॉम को अर्थात मदर को, मदर को क्या बोलते हैं, मॉम या मम्मी। और आजकल एक और यूज हो रहा है मो, आजकल आपने टीवी में देखा होगा मो, ये यूज में आ गया है ज़्यादा। बात समझ में आई, और इसके बाद बात आती है चाचा, ताया, फूफा, मौसा, मामा, इन सब को क्या बोलते हैं, चाचा हो, ताया हो, मौसा हो, फूफा हो, अंकल हो, आंटी हो, जो होते हैं इनको बोलते हैं हम अंकल। समझ भाई, अंकल और आंटी किसको बोलेंगे, बुआ, चाची, मौसी, मामी, इनको हम अंकल और आंटी बोलते थे हैं। बात समझ भाई, अंकल किसको बोलते हैं, चाचा, ताया, फूफा, मौसा, मामा, आंटी किसको बोलते हैं, बुआ, चाची, मौसी, मामी, इन सबको हम आंटी बोलते हैं आजकल। और इसके बाद किसी भी पुरुष के लिए आदर सूचक जो शब्द होता है वो होता है, क्या होता है, सर। सर जो है हम किसी भी अपने से बड़े को, किसी को भी हम कह सकते हैं, आदर सूचक शब्द वो है सर, सर का यूज करते हैं। और जो वोमेन्स होती हैं, औरत होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मैम या मैडम बोल सकते हैं। समझ में आई, सर या मैम या मैडम आदर सूचक शब्द होते हैं ये। बात समझ में आई यहाँ तक। अब किसी भी अविवाहित महिला के लिए क्या बोलते हैं हम, अविवाहित अविवाहित महिला यदि, तो उसको हम उसके नाम से पहले क्या लगाते हैं, मिस। अगर अविवाहित है महिला तो उसको हम लगाते हैं नाम से पहले मिस, मिस अनीता, मिस रेनु, मिस काजल, कोई भी हो सकता है। अगर वह विवाहित है, विवाहित महिला है, तो उसके नाम से पहले हम क्या लगाएंगे, मिसेज, MRS, मिसेज। बात समझ में आई, अविवाहित के लिए मिस, विवाहित के लिए MRS। ओके, और एक और शब्द है
विवाहित या अविवाहित दोनों महिलाओं के लिए MS MS का यूज हम चाहे विवाहित हो, मैरिड हो या अनमैरिड हो, कोई भी लेडीज हो, उससे पहले उसके नाम से पहले हम MS का यूज कर सकते हैं, चाहे विवाहित है या अविवाहित है, कोई भी महिला हो उसके नाम से पहले हम MS का यूज कर सकते हैं। अगर अविवाहित है तो मिस का यूज करना है, विवाहित है तो मिसेज का, और MS का यूज हम दोनों के साथ कर सकते हैं। सर या मैडम आदर्श सूचक शब्द हैं भी अपनों से बड़े के साथ। तो इस प्रकार से इन सभी बातों का ध्यान रखना है आपको, और इन सभी को आपको नोट कर लेना है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आशा करता हूँ कि आज आपको अभिवादन के जो साधारण बोलचाल के जो शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं, वो आपके समझ में आ गए होंगे। आपको किस समय गुड मॉर्निंग बोलनी है, कब गुड आफ्टरनून, कब गुड इवनिंग, कब गुड नाइट, कब बाय, कब सी यू, क्या कब कहाँ कैसे यूज करना है, इन शब्दों का, इन वाक्यों का, वो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आज आपको बताया। तो आज का वीडियो लेक्चर मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू, गुड इवनिंग। We'll be right back.